जो ड्रग्स पेडलर्स हैं, इनको हमारी तरफ से एक वार्निंग है, ड्रग्स बचाओ। अभी हम लोग उतरे हैं, हम लोग इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ड्रग्स भगाओ, बेनूर बचाओ। 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 क्या प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर? क्या तरबियत दी गई यहाँ पर लोगों को? तरबियत बात जाहिर है कि नशा भगाओ, बेंगलोर बचाओ जो SDPI वालों ने नारा दिया है, तरबियत के खातिर इन्होंने अपना वक्त निकाला, अपना पैसा दिया, कौम के जिम्मेदारों को, नौजवानों को इकट्ठा किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ मन जो है गामजन रहेगा। ये इब्तदा है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये काम अगर हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। फिर ये उस शेर के मिस्ताक होगा, मैं तो खुद तनहा चला था जानिब मंजिल मगर, इसे मेरी मुराद SDPI है। मैं तो खुद तनहा चला था जानिब मंजिल मगर, हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया। माशाल्लाह इन्होंने काम शुरू किया है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरह अगर ये प्रोग्राम करते रहेंगे, अगर किसी पत्थर पर कतरा कतरा पड़ते पड़ते उसमें सुराख हो सकता है, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह के हबीब की उम्मत को इंशाल्लाह अगर हम नसीहत करते रहेंगे और प्रोग्राम और इस तरह तरबियती प्रोग्राम रखेंगे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो नौजवान आज नशा को इस्तेमाल कर रहा है, कल के दिन इंशाल्लाह वो खुदा की मोहब्बत के नशे में चूर होगा, फिर सारे नशे इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। बताइए सर, क्या है हालात तेगड़े नगर? मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बैंगलोर नॉर्थ का प्रेसिडेंट वसीम बोल रहा हूँ। आज जो हालात सिर्फ तेगड़े नगर और सारे पाड़े का नहीं है, मुल्क में कोने कोने में हालात नशे की हालत, ड्रग्स का जो चल रहा है, एक बहुत बड़ा एक पैगाम दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों की जो पीढ़ी है वो खत्म कर देने की कोशिश कर रहा है। तो आज ये हम लोगों ने एक शुरुआत की है बैंगलोर नॉर्थ से, हेगड़े नगर से, कि हम लोग ड्रग्स लेने वालों को और ड्रग्स बेचने वालों को दोनों को हम लोग काम करेंगे, और ड्रग्स लेने वालों को हम लोग एक रिहैब शुरू कर उनके उनके लिए अच्छाई की तरफ हम लोग खींच के लाना है, और जो ड्रग्स पेडलर्स हैं इनको हमारी तरफ से एक वार्निंग है। अभी ये शुरुआत इतने सालों से दूसरे कर रहे थे, अभी हम लोग उतरे हैं, हम लोग इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनको बर्बाद होने नहीं देंगे। यही हमारा एक पैगाम है, जैसा मौलाना ने भी बताया, हम लोग हमारी कोशिश कर रहे हैं पत्थर पे पानी डाल डालकर इस पत्थर को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह भी हमें साथ देना है और आवाम से भी हमारी दरखास्त है, हमारे साथ जुड़कर SDPI के साथ जुड़कर जो कारकुन जो दिन रात मेहनत पढ़कर आगे काम कर रहे हैं उनसे जुड़कर हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है हेगड़े नगर में पुलिस का भरपूर साथ रहेगा आपको? सबसे पहले ये ड्रग्स की जो ज्यादा होने का वजह किसका वो बोले तो इनका जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके वजह से ड्रग्स ज्यादा हो रहा था, और अगर इन्हों चाहेगा तो इन्हों कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स को, लेकिन नहीं कर रहे। इन्हों मामूली एक फोन चोरी हो रहा तो ट्रैक कर वो पकड़ा होती चोर को, नो क्या ड्रग पेडलर तेजी के साथ ड्रग्स उन्होंने फैला रही, जिसकी वजह से क्राइम रेट ज्यादा होकर है, कितने की मर्डर्स हो गए हेगड़े नगर के अंदर, और इसी तरह कितने की चोरियां हो गई डेली, तो क्या ट्रैक नहीं कर सकते क्या? ये पूरे मिली भगत इनकी है इनकी, चलो आने वाले दिनों के अंदर SDPI की हमारी टीम ग्राउंड फ्लैट चेक करती है, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करती है इंशाल्लाह। बहुत बहुत बताइए जी, हेगड़े नगर में प्रोग्राम अवेयरनेस करने से सारे बेंगलुरु में इसका असर पड़ता है। इसमें मैं आपके चैनल के जरिए से एक बात कहना चाहूंगा कि इस मुहिम का एक आगाज यहाँ पर हुआ है। इंग्लिश में कहावत है चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, पहले मैं एक सही अच्छा काम मेरे घर से जब मैं शुरुआत करूंगा तभी मैं माशरे को भी सुधार सकता हूं। तो उसी को नजर में रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह थानी संद्रा वार्ड में इस एंटी ड्रग्स कैंपेन को शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ वार्डों में मुख्तलिफ असेंबलीज में इंशाल्लाह ये करने का एक प्लान है, और बहुत बड़ी तादाद में जो इस नशे की किल्लत का शिकार होते आ रहे हैं उनको काउंसलिंग के जरिए से और उन्हें एक एजुकेशन के जरिए से अवेयरनेस लाने की भी एक इंशाल्लाह गुफ्त जद्दोजहद चल रही है। तो इसमें मैं मीडिया वालों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी मुहिम को जब तक मीडिया का एक एक्सपोजर नहीं मिलता, जब तक हमारे मैसेज को माशरे तक नहीं पहुंचा सकते, तब तक जो है
ऐसे प्रोग्राम्स को कामयाब नहीं कर सकते। तो आपके चैनल के जरिए से मैं तमाम को यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज ड्रग्स जो है बहुत बड़े पैमाने पर बिलखसूस बैंगलोर में आप देखने के लिए मिल सकता है। और रिसेंटली अगर चाहे आप एक स्टडी भी करेंगे, कॉमनली जो है ड्रग्स का एक हब होता जा रहा है, बाहर के जो फॉरिनर्स है और कई दूसरे कंट्रीज के यहाँ पर आकर इस बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर जा रहे हैं। और ये पूरा एक माफिया है, नीचे से लेकर टॉप लेवल तक भी जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो जब तक आप और मैं मिलकर इसे रोक नहीं लगाएंगे, तब तक ना तो हमारे घर की तरक्की होगी, घर की तरक्की नहीं होगी तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो हिंदुस्तान को एक बेहतरीन मुकाम पर देखने के लिए इस मुहिम में जुड़ने की मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज से इंशाल्लाह जो भी ये काम कर रहे हैं, जो पेडलर्स हैं, जो गलत घरों को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी तो आज एक एक लेसन मिल रहा है और एक वार्निंग जा रही है। दूसरा, हर वो कंट्री में ड्रग पेडलर्स ड्रग लाते ही उनको सजाए मौत है। ऐसा एक कानून इंडिया में भी लाना है, तो वो उसकी एक मुहिम भी चलेंगे हमें इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में। मगर एक चुनौती दे रहे हैं पेडलर्स हैं या कोई भी इसके उत्साह रहे, इसके अंदर डिपार्टमेंट भी मिलकर आए। कई जगह ऐसा है हमें सुने, जैसा शिवाजी नगर में उधर इधर सब भी जाको खाली बोले तो आते ही मिल जाते हैं, मगर उनका पूरा भरपूर साथ इन भी दे रही। तो अकेले हाथ से इतनी बड़ी हिम्मत का काम नहीं कर सकते, अकेले का ये काम नहीं होता है। तो इसलिए ये जो दूसरे कंट्रीज में भी है सजाए मौत का जो ये मुहिम चला रहे हैं, जो इतना खतरनाक उनको जो समझ में आ रहा है, ऐसा ये हमारे कंट्रीज को भी, हमारी कंट्री में भी ये समझ में आना है उनको। बताइए सर, आज का प्रोग्राम हुआ है, आज का प्रोग्राम ड्रग्स भगाओ बैंगलोर बचाओ के नाम पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से आज ये प्रोग्राम किए है हम। ये प्रोग्राम का मकसद आजकल जो हमारे नौजवानों के अंदर जो ड्रग्स की लत जो बढ़ रही है उसे खत्म करने के लिए एक मुहिम चला रही हमें। कितने दिन तक हमें अलग अलग कॉर्नर मीट्स करे, लोगों को समझाए, औरतों को कैसा अवेयरनेस लाना, बच्चा अगर ड्रग्स कर आ रहा है, नशे की लत में पड़े तो फौरन कैसा माँ बाप को मालूम होना, ये सब काम पा करे हमें। तो ये प्रोग्राम किए ही हम इंशाल्लाह, ये जितने भी यहाँ ड्रग्स पेडलर से ही उनको यहाँ से भगे तक हमें चैन की सांस नहीं लेते। हमारी उम्मत को, हमारी कौम के नौजवानों को हमें ये मौत तो मरने हमें नहीं देते। अल्लाह हमें जवाब देना है, दूसरे कोई बात करें दे ना करे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर एक मुसलमान की, हर एक दलित की, हर एक क्रिश्चियंस की हम एक फिक्र रखकर ये मुहिम को चला रही। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसको खत्म करने की हम कोशिश करती। मैं तमाम कमीशन वार्ड की आवाम से और बेंगलुरु शहर की आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप सब जुड़कर, अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाता है जब तक जो कौम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती उस कौम की मैं हालत को भी नहीं बदलूंगा करकर। तो हम सब अपने आप को बदलना है, बुराई को खात्मे के लिए हम सब एक होकर खड़ना है करकर ये मैसेज देना चाहता हूं मैं। शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोग्राम है हैदराबाद में मुनाकिद किया गया है, ड्रग्स को भगाओ बेंगलुरु को बचाओ, ये बिल्कुल सिर्फ हैदराबाद में प्रोग्राम रखो ही हमें। हाल ही में देखते हैं साल में 2 मर्डर्स होगी, बच्चा के मर्डर होगी, ऐसा होगी अगर वो बोले तो ये ड्रग्स का ज्यादा होगा है। और इसमें जो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है रिस्क ले रही नहीं, जैसा मर्डर होता बच्चे का होने के बाद में ऐसा स्टिक करती जितने पेगलराम को पूरा मड़क डलते डिपार्टमेंट अंदर, उससे पहले पेगलराम को नहीं मालूम था क्या डिपार्टमेंट को तो मालूम था पेगलराम उससे पहले रहने के बावजूद में भी टाइट नहीं कर रहे ना, मर्डर होने के बाद में सीरियस इश्यू आने के बाद में चुटा गलत अंदर जितने लोग हम उतारे वो संख्या नहीं ली लिमिट में से उसका रिकॉर्ड।
तो सारे क्यूओसीबी डिपार्टमेंट को मालूम नहीं है, नहीं है ये सब कुछ मालूम है। अगर से उन्होंने चाहे करके बोले तो हमें सब मुहिम चलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने चाहे करके बोले तो उन्होंने अपने आप को उन्होंने खत्म करेगा, क्योंकि तो बगैर उनके ताले से क्या भी बनेगा नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ हमारे बेंगलुरु डिपार्टमेंट को इसके बारे में सीरियसली लेकर जल्द से जल्द इसे खत्म करने की फिक्र करें। अस्सलाम वालेकुम।